Mahindra Alturas G4। इस गाड़ी के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने जो भी जानकारी आपको बताई थी वो अब आकर रिवील हुई है, या ये कह सकते हैं लीक हुई है। मार्केट में Mahindra Alturas G4 की कुछ नई पिक्स सामने आई हैं जिसमें आप Alturas G4 को पहले से बेहतर तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और साथ ही में लॉन्च होने के पहले माहौल को और गर्म करने के लिए कुछ जानकारियों को लीक किया गया है। तो चलिए इस गाड़ी को पहले से भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। Alturas G4 कंप्लीटली बेस्ड है सैंगयोंग रेक्सटन पर। सैंगयोंग एक कोरियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी फोर्थ जनरेशन रेक्सटन कोरिया में लॉन्च की जा चुकी है, और उसी सेम सैंगयोंग रेक्सटन को कुछ चेंजेस करके इंडिया में 24 नवंबर को Mahindra Alturas G4 के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है। शायद कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि रेक्सटन इंडिया में पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन Mahindra की बैजिंग में नहीं, सैंगयोंग की बैजिंग में। और शायद इसी वजह से इस गाड़ी पर ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ना ही इस गाड़ी की कभी कोई डिमांड रही। लेकिन जब यही सेम कार Mahindra की बैजिंग में लॉन्च की जाने वाली है तब लगभग हर कोई इस गाड़ी पर ध्यान दे रहा है। शायद इसे ही ब्रांड वैल्यू कहते हैं। चलिए इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, और साथ ही में आपको LED फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स भी मिला करेंगे। दोनों हेडलैम्प्स के बीच में आपको Mahindra की सिग्नेचर ग्रिल मिला करेगी, और ग्रिल के ठीक बीच में आपको Mahindra की बैजिंग भी मिला करेगी। इसकी साइड प्रोफाइल को भी काफ़ी प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। स्मूथ कर्व्स मिल जाते हैं और विंडो ग्लासेस की आउटलाइन पर आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, और साथ ही में डायमंड कट 18-20 इंच एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। प्रीमियम के साथ साथ स्पोर्टी फील देने के लिए ऊपर रूफ रेल्स भी दी गई हैं। इसके रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आपको Mahindra की बैजिंग मिल जाती है, और ठीक नीचे Alturas G4 की। फ्रंट और साइड प्रोफाइल की तरह इसकी रियर प्रोफाइल में भी क्रोम वर्क किया गया है। बम्पर और नंबर प्लेट के ऊपर आपको क्रोम लाइनिंग्स मिल जाती हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का एक्सटीरियर नो डाउट काफ़ी प्रीमियम लगता है, और कुछ ऐसी ही कहानी इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाती है। इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो लेंथ 4850 mm, विड्थ 1960 mm, हाइट 1825 mm, और व्हील बेस 2865 mm है। देखा जाए तो हाइट छोड़कर बाकी सभी डायमेंशंस टोयोटा फॉर्चुनर से ज़्यादा हैं, और विड्थ और व्हील बेस तो एंडेवर से भी ज़्यादा है। मतलब कि पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये गाड़ी एंडेवर और फॉर्चुनर से ज़्यादा स्पेशियस हो सकती है। 224 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में मिलने वाली है, मतलब कि खराब रास्तों को भी ये गाड़ी आसानी से हैंडल कर सकती है। बात करें कर्व वेट की, मतलब गाड़ी के वजन की, तो 1900-2200 किलोग्राम्स इस गाड़ी का वजन होगा। Mahindra क्लेम करता है कि इस गाड़ी को बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसके कारण इस गाड़ी के कैबिन के अंदर तक इंजन और बाहर की दूसरी आवाज़ें काफ़ी कम आ पाया करेंगी। और साथ ही में ये भी क्लेम करता है कि इस गाड़ी की 81% बॉडी को हाई स्ट्रेंथ स्टील के साथ बनाया गया है। मतलब कि इस गाड़ी में आपको शानदार बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की, तो इस गाड़ी में आपको 9 एयरबैग्स, एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल लॉन्च असिस्ट और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाया करेंगे। मतलब कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरिया में जिस रेक्सटन को लॉन्च किया गया है उसमें भी यही सब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जब उस रेक्सटन का कोरियन NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था तो उसने 5 out of 5 stars स्कोर किए थे। मतलब कि ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में सबसे बेहतरीन होने वाली है।
चलिए अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर की बात करते हैं। इसमें आपको ब्लैक और ब्राउन कलर थीम मिलने वाली है। इसके इंटीरियर को भी प्रीमियम फील देने के लिए काफी सारा लेदर वर्क किया गया है और साथ ही में वुडन टच भी दिया गया है। लेदर सीट्स के अलावा आर्मरेस्ट, डोर्स, सेंट्रल कंसोल और डैशबोर्ड पर भी आपको लेदर वर्क मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9.2 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के अलावा FMAM, USB AUX कंपेटिबिलिटी, ब्लूटूथ और नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और साथ ही में 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, जो फीचर आपको सिर्फ एक्सपेंसिव कार्स में ही देखने को मिल पाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स विथ मेमोरी फंक्शन भी मिल जाती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स के ठीक नीचे आपको USB और AUX के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है और साथ ही में सिगरेट लाइटर का एक सॉकेट भी। इसके बाद ब्रॉड सेंट्रल कंसोल मिल जाता है, जो उसके इंटीरियर को काफी प्रीमियम बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलने वाला किसी भी वेरिएंट में, सिर्फ मर्सिडीज बेंज 7G ट्रॉनिक सोर्स्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलने वाला है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जस्ट बगल से आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के लिए और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड के कंट्रोल्स भी। इसके अलावा इसके सेंट्रल कंसोल में आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और साथ ही में ब्रॉड लेदर रैप्ड सेंटर आर्मरेस्ट भी। पूरी पूरी उम्मीद है कि इस आर्मरेस्ट के अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स भी होना चाहिए। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, सनरूफ, स्मार्ट टेलगेट, AC वेंट्स फॉर सेकंड रो एंड थर्ड रो पैसेंजर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके थर्ड रो के पैसेंजर्स को भी AC वेंट्स के साथ साथ चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलने वाला है, जो करीब 178 BHP की पावर जनरेट किया करेगा 4000 RPM पर और 420 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा 1600 टू 2600 RPM पर। इस गाड़ी में सिर्फ 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करेगा। 2-wheel ड्राइव और 4-wheel ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस में ये गाड़ी अवेलेबल होगी। सिर्फ दो ही वेरिएंट आपको इसमें मिला करेंगे, एक होगा 2-wheel ड्राइव और दूसरा होगा 4-wheel ड्राइव। 4-wheel ड्राइव वेरिएंट में आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाया करेंगे। और रही बात माइलेज की, तो इस गाड़ी में लगभग 15 km/h का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। Alturas G4 महिंद्रा का अभी तक का सबसे लग्जूरियस प्रोडक्ट है और शायद इसी वजह से Alturas G4 के कस्टमर्स को महिंद्रा स्पेशल फील कराना चाहता है। इसीलिए ये गाड़ी आपको महिंद्रा के वर्ल्ड ऑफ SUVs डीलरशिप पर मिला करेगी, जो कि फुली इक्विप्ड होगा अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज से और साथ ही में आपको एक डेडिकेटेड सेल्स पर्सन भी मिला करेगा। और साथ ही में इस गाड़ी की लॉन्चिंग के साथ पर्पल क्लब प्लस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक्चुअली में एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसकी मदद से कस्टमर्स पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और बाद में उन्हें रिडीम भी करा सकते हैं। 24 नवंबर को ये गाड़ी लॉन्च की जाने वाली है, लेकिन देखने के लिए या फिर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए ये गाड़ी आपको डीलर्स पर 26 नवंबर से मिलना शुरू होगी। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, इसे खरीदना चाहते हैं, तो 50,000 रुपीज के टोकन अमाउंट से ऑनलाइन वेबसाइट पर या फिर शोरूम पर जाकर इसे बुक करा सकते हैं। और रही बात इस गाड़ी के प्राइसेस की, तो महिंद्रा ने अभी अभी लीक किया है कि 30 प्लस बजट की जो गाड़ियां हैं उन्हें तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया करेगी ये गाड़ी। मतलब पूरी पूरी उम्मीद है कि इस गाड़ी की प्राइसेस 30 लाख से कम रखे जाएंगे। इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर, इस गाड़ी में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए अगर ये गाड़ी 30 लाख के बजट के अंदर रखी जाती है, तो यकीनन सेगमेंट किंग टोयोटा फॉर्च्यूनर को तगड़ा झटका लगने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।